में जहां पर देश भर में कोरोना का कहर बरपा रहा है, कोई कोरोना की चपेट में आ रहा है तो किसी का कोरोना की चपेट में आने के बाद निधन हो रहा है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी जिंदगी से इतने ज्यादा दुखी हो चुके हैं कि वो किसी बीमारी का इंतजार नहीं कर रहे कि कोई बीमारी उन्हें लगेगी और उसके बाद उनका निधन होगा। यहाँ पर अपने ही हाथों से अपनी ही जान देते नजर रेमो डिसूजा की पत्नी लेजेल के भाई जैसन, जैसन जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही डिप्रेशन में आकर अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म कर दी और ऐसे में उनके निधन के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं कि रेमो डिसूजा के पत्नी लेजेल के भाई यानी कि जैसन के निधन के बाद उनकी बॉडी को लेजेल ने पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है और ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलेगा राज कि आखिर जैसन के साथ क्या हुआ था निधन से पहले, क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के ब्रदर इन लॉ जैसन वॉटकिंस की बॉडी उनके घर में मिली और ऐसे में अब खबर है कि रेमो डिसूजा की पत्नी लेजेल ने अपने भाई की बॉडी को हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में तो अभी वक्त है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल है कि फाइनली आ चुकी है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा खुलासा लेजेल के भाई यानी कि जैसन के निधन का राज सच सामने आएगा कि क्या निधन के वक्त वाकई जैसन नशे की हालत में था या फिर नहीं, और साथ ही ये भी पता चलेगा कि जैसन ने का जो निधन हुआ है उसके पीछे जैसन का ही हाथ है या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, बहुत ही जल्द ये रिपोर्ट सामने आएगी। जैसे कूपर हॉस्पिटल में सुशांत सिंह राजपूत को भेजा गया था और उसके बाद कूपर हॉस्पिटल से सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी और उसमें सुशांत के निधन का वक्त मेंशन नहीं था और ना ही यहाँ पर बताया गया था कि सुशांत का निधन कैसे हुआ, लेकिन वहीं अब ये पता चलेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि क्या जैसन की बॉडी पर कोई निशान था या फिर जैसन वाकई नशे की हालत में था, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड था और इसी डिप्रेशन के चलते जैसन ने अपनी दुनिया को अलविदा कह दिया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो ये है पूरी खबर जैसन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर, जहाँ पर फाइनली सच आएगा सामने रेमो डिसूजा की पत्नी लेजेल के भाई जैसन के निधन का सच और खुलेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से राज। उनकी बॉडी पर होंगे निशान या फिर नहीं, ये तो राज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही खुलेगा और निधन की वजह भी सामने आएगी, जिसमें ये पता चलेगा कि नशे की हालत में किस तरीके से अपनी जान दी थी जैसन ने और कब हुआ था जैसन का निधन, के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट। देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट जैसन को लेकर, जहां पर जैसन के निधन का सच सामने आ चुका है और खुल चुका है राज जैसन के निधन के पीछे की असली वजह से लेकर उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। इस बारे में आप क्या कहना है ये बताना बिल्कुल ना भूलें नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय।